ओके, तो हम अब बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्रोजेक्टाइल। तो उसको हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्स, यानी उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया जब टोटल टाइम उसने कैपिटल टी लिया है। मतलब अभी हमने फिगर आपको दिखाया था। सो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन से, हम टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या जाएगा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, एंड टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा। सो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। अब अगर आर जो है मैक्सिमम तब होगा जब टू थीटा इज इक्वल टू डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मैक्सिमम होगा। सो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, यानी कितना मैक्सिमम हाइट वो करेगा। तो यहाँ पर वाई, जो वाई इज इक्वल टू अगर मैक्सिमम हाइट एच, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यानी ये फाइनल पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऊपर जा करके। तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच, ये है। सो नेक्स्ट इज एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। अगर थीटा मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो एच मैक्सिमम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर टू जी, ये होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू।